रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, तुझे चाहिए कि तेरा शुआर इल्म और कुरान हो, यानी कुरान का इल्म ऐसा नाफे और मुतवातिर है जिसके बारे में किसी किस्म का शुबा कुरान की पहली आयत से दूर हो जाता है, यानी यह हिदायत है मुत्तकियों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है वो घर वापस आने तक अल्लाह ताला के रास्ते में रहता है, यानी और अल्लाह के रास्ते में रहने वाला इस जहाद में शामिल होता है जिसे अगर मौत आ जाए तो वो शहीद का रुतबा पाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को थोड़ी देर इल्म का पढ़ना पढ़ाना उससे बेहतर है कि कोई पूरी रात इबादत करता रहे, यानी इबादत और शब्बेदारी पर इल्म की ये फजीलत एक ऐसी तरगीब है जो हमें इल्म दीन और इल्म नाफे की तरफ मायल करती है। और अजीब बात यह है कि इल्म दीन और इल्म नाफे में इबादत को बुनियादी अहमियत हासिल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, इल्म पैगंबरों की मीरास है और माल कुफारों की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है, दीन खजाना है और इल्म उसका रास्ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, इल्म से दिल को रोशनी मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इल्म से हर दिल अजीज़ी हासिल होती है।